नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Excel के 2019 वर्जन में जो एक अपग्रेड आया है फिल्टर का। और फिल्टर में आप देखेंगे दो ऑप्शन है हमारे सामने, एक स्लाइसर का और एक टाइमलाइन का। दोनों ही ऑप्शन बड़े कमाल के ऑप्शन है, ये बेसिकली 2013 से ऊपर के वर्जन में ही आपको दिखाई देंगे। और इन दोनों का यूज कंपनीज अपने बड़े से बड़े डेटा को एनालाइज करने के लिए करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसके हमने 3 स्लाइसर ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइसर का यूज दिखा देता हूँ कि स्लाइसर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कुछ सेल्समैन के नाम है, उनकी कंट्रीज के नेम है, उनके आइटम्स के नेम है और उनकी कैटेगरी है। यहाँ पर आप देखेंगे उसकी क्वांटिटी, प्राइस और टोटल प्राइस है। हम इसको फिल्टर करना चाहते हैं कितने तरीके से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने इनके 3 स्लाइसर लिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला स्लाइसर है हमारा कंट्री, दूसरा है आइटम नेम और तीसरा है हमारे कैटेगरी। हम इन तीनों ही स्लाइसर के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मुझे इस पूरे डेटा में से सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही डेटा देखना है, तो जैसे ही मैं इंडिया पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे सिर्फ इंडिया का ही डेटा मेरे सामने रिप्रेजेंट होगा। और इसके जो प्राइस लिस्ट है, जो क्वांटिटी और टोटल प्राइस लिस्ट है, वो आप देखेंगे दोनों यहाँ पर शो हो चुकी है। यानी कि अगर आप 17 और 24 को प्लस करेंगे तो 41 ही क्वांटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। और इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल प्राइस की, तो टोटल प्राइस अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यही अमाउंट आपका यहाँ पर शो होगा। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा, अगर आप इंडिया के अंदर आप देखना चाहते हैं सिर्फ लैपटॉप को, तो जैसे ही आप लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका लैपटॉप का डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। बेसिकली हमने बहुत ही छोटा डेटा लिया है आपको समझाने के लिए। आप अगर आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा होगा तो आप बड़े ही आसानी से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपके सामने आइटम्स दिए गए हैं, डेल का, एसर का या एचपी का। तो एचपी और एसर का यहाँ पर कोई आइटम है ही नहीं, सिर्फ डेल का आइटम है जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में एक छोटा सा ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वापस से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से अपने डेटा को आप क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं जापान का, तो जापान पे क्लिक करिए, जापान का डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आइटम नेम के थ्रू फिल्टर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप सिर्फ लैपटॉप को देखना चाहते हैं, जैसे ही आप लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप का डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक इंडिया का और दूसरा यूएस का। इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी भी ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए लैपटॉप के साथ साथ आपको हार्ड डिस्क भी देखना है, तो आप कंट्रोल की अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखिए और यहाँ हार्ड डिस्क पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप हार्ड डिस्क पर क्लिक करेंगे ये दोनों डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दो के अलावा 3 डेटा को भी देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया पेन ड्राइव को, तो पेन ड्राइव का भी डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो अगर आप कैटेगरी के थ्रू इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे ही डेल के टिक मार्क को आप यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे एसर का जो भी डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इस शीट को किस तरीके से आप बना सकते हैं, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, एक ऑप्शन है हमारा टाइमलाइन का। टाइमलाइन बेसिकली आपका डेट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग आपका फिल्टर करता है किसी भी डेटा को। तो इसको करने के लिए हमें एक पाइवट टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने प्रैक्टिकली पहले ही यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने दो चीजों का डेटाबेस है, यानी दो चीजों का हमारे पास पाइवट टेबल है, जिसके अकॉर्डिंग हमने सेल्समैन लिया हुआ है और यहाँ पर हमने टोटल प्राइस लिया हुआ है। टोटल प्राइस के अंदर अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहूँ, तो आप यहाँ पर देखिए जैसे मैं जिस डेट पर क्लिक करूंगा उस डेट का यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। चाहे सेल हमारी 2020 की हो या सेल 2021 की हो, हमारे पास वो डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं। तो इन दोनों का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आज आपको वो पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने प्रैक्टिकल के लिए आपके पास पहले से एक ब्लैंक डेटा लिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल डेटा लिया हुआ है, वही डेटा हमने सिंपल यहाँ पर टाइप किया हुआ है। अब इस डेटा पर हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसर का यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको स्लाइसर का यूज करने से पहले आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। Ctrl+T जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है आपका माई टेबल हैज हेडर। तो इस वाले ऑप्शन पर आपका टिक मार्क होना चाहिए और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। और अब हमें यूज करना होगा स्लाइसर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे टूल्स मेन्यू के अंदर यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन आपके सामने शो अप हो गया। यही चीज अगर आप इंसर्ट टैब के अंदर जाकर के यहाँ से स्लाइसर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यही सेम चीज आपको वहां पर भी दिखाई देगी, तो जहां से आप लेना चाहें वहां से इसे ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्लाइसर को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आप किस किस कैटेगरी का, किस किस चीज का स्लाइसर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने एक सेल्समैन का लिया है, तो यहाँ से हमने एक कंट्री का लिया है और एक हमने यहाँ पर कैटेगरी का लिया है। और सिंपल जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही तीनों ही स्लाइसर हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट, तीनों स्लाइसर को एक एक करके यहाँ पर रख लेते हैं। और इसके बाद मैं इसका
आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास अमन है, अमन को जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो अमन का जो भी डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्री के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर डेटा को फिल्टर कराना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपका यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। कंट्रोल की के साथ अगर आप किसी और कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो वो डेटा भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप फिल्टर करना चाहते हैं किसी कंपनी के अकॉर्डिंग, यानी डेल आइटम पर जैसे क्लिक करेंगे तो डेल के जितने भी आइटम्स हैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और एसर का आइटम अगर आप देखना चाहें तो एसर पे क्लिक करके आप एसर का आइटम देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस किस तरीके से देख सकते हैं। जिस भी आइटम का आप फिल्टर करेंगे उस आइटम का टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटीज किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सब टोटल का। तो सब टोटल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू का यूज करना है। मैं थोड़ा सा सेल्स को जूम कर देता हूँ। सब टोटल को लेकर के आप टैब दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप से आप इसे सब टोटल कर सकते हैं। तो हमें सम का यूज करना है तो या तो आप सम पर क्लिक करके टैब दबा दीजिए, आपका यहाँ पर 9 नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, या तो आप सिंपली यहाँ पर 9 यूज कर सकते हैं। 9 यूज करने के बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपको रेंज लेनी है अपनी क्वांटिटीज की। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्वांटिटी की पूरी रेंज इस तरीके से और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका टोटल क्वांटिटीज यहाँ पर शो हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टोटल प्राइस निकालना चाहें तो सेम वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, इक्वल टू सब टोटल का। सब टोटल लेने के बाद यहाँ पर टैब यूज करेंगे। टैब यूज करने के बाद हमें भी यहाँ टोटल प्राइस का टोटल ही चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल के लिए 9 नंबर है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप टैब यूज कर सकते हैं। टैब यूज करते ही 9 नंबर अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे और उसके बाद इसके जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा और सिंपली एंटर प्रेस करना। तो आप देखेंगे जिस भी हिसाब से यहाँ पर हम फिल्टर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इंडिया को सिलेक्ट किया तो इंडिया का जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो क्वांटिटी 41 बनती है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 41 ही आएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो अमाउंट यही आएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसका सब टोटल और सब क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़े डेटा को आप इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो था स्लाइसर का यूज। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से टाइमलाइन का यूज, कि आप किसी डेटा के अंदर टाइमलाइन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सेम वही डेटा हमने यहाँ पर भी लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने डेट का एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो टाइमलाइन ऑप्शन होता है वो बेसिकली डेट पर काम करता है। तो हम यहाँ पर पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका एक पाइवोट टेबल क्रिएट करेंगे। बिना पाइवोट टेबल के आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, यानी टाइमलाइन का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पूरी डेटा को एक बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर जाते हुए हम यहाँ पर पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू वर्कशीट को लेते हुए हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही अब यहाँ पर आप अपने फिल्टर लगा सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कंट्री पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम आइटम नेम पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं टोटल प्राइस। टोटल प्राइस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंडिया के अंदर लैपटॉप और मोबाइल है जिसका आइटम यहाँ पर आपके सामने टोटल प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है, यानी सम अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। उसी तरीके से जापान के अंदर हार्ड डिस्क और कीबोर्ड है जिसके अंदर ये अमाउंट शो हो रहा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया। यदि आपको पाइवट टेबल बनाना नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने पाइवट टेबल को कई एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप पाइवट टेबल देख सकते हैं किस तरीके से पाइवट टेबल क्रिएट की जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टाइमलाइन की। तो यहाँ पर हमने डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा लिया है। इसके बाद हम सिंपली इंसर्ट टैब में जाकर के यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा टाइमलाइन का। टाइमलाइन को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उसके सभी हेडर्स नहीं आए बल्कि सिर्फ डेट शो हो चुकी है। तो यहाँ पर डेट को लेते हुए हम सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने उसकी टाइमलाइन शो हो चुकी है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसकी फिल्टरिंग करना चाहें तो जैसे ही आप जनवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जनवरी के अंदर जितनी भी सेल्स हुई है आपकी यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंट हो चुका है, उसका सम अमाउंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप जुलाई की देखना चाहते हैं तो जुलाई का आपके सामने यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आगे का भी आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिसंबर नवंबर का। और ये तो था सिर्फ मंथ का, इसको आप फिल्टर कर सकते हैं। क्वार्टरली फिल्टर करना चाहें क्वार्टरली फिल्टर कर सकते हैं, मंथली फिल्टर करना चाहें मंथली फिल्टर कर सकते हैं, डेज वाइज फिल्टर करना चाहें डेज वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ईयर वाइज करना चाहें तो ईयर वाइज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे 2020 और 2021 का डेटा हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं तो 2020 का आप डेटा देखेंगे यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। और 2021 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 2021 का आपका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है ईयर वाइज। अगर आप यहाँ पर मंथ वाइज लेंगे तो मंथ वाइज आपका 2020 का और 2021 का यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट हो चुका है, जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक। उसी तरीके से यहाँ पर फरवरी, अप्रैल, मई, जिस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करना चाहें उस तरीके से आप टाइमलाइन के थ्रू डेटा को इजीली फिल्टर कर सकते हैं। तो ये भी एमएस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर था।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसके सामने बहुत सारे टाइमलाइन के स्टाइल दिए गए हैं। इसमें से अगर आपको स्टाइल चूज करना चाहें तो यहाँ से आप स्टाइल को चूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने स्टाइल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद अगर आप इसकी हाइट या विड्थ को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप अपने हिसाब से इस पर मैनेज कर सकते हैं, या इसको ड्रैग करके भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके हेडर फुटर को अगर आप हटाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को, टाइमलाइन लेवल को अपने हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक के ऑप्शन डेटा को आगे या पीछे देने के लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं स्लाइजर और टाइमलाइन की मदद से। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर स्लाइजर और टाइमलाइन का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।